बट uh, जरूरी नहीं है कि प्लेजरिज्म हमेशा हमारे पास टेंजेबल फॉर्म के अंदर ही अवेलेबल हो जिसको हम इजिली डिडक्ट कर सकें समटाइम्स दे आर द प्लेजरिज्म इज़ प्लेजरिज्मिक समटाइम्स द प्लेजरिज्म इज़ इन एन अ वेरी हिडन फॉर्म विच यू जस्ट कैन नॉट एलेबोरेट जैसे आज कल लोग uh, uh, इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ पीपल कैन ईजीली डिडक्ट प्लेजरिज्म दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉल टर्नेट अगर टर्नेट में हर दो वर्ड्स के बाद जो तीसरा वर्ड है वो सिमिलर होगा तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये वर्क प्लेजराइज है तो पीपल इंटेंशनली डू लॉट ऑफ एफर्ट बाय पुटिंग देयर टाइम इन टू इट कि हर दो वर्ड्स के बाद जो तीसरा वर्ड है उसके मीनिंग को किसी सन्नम से चेंज किया जाए और अपने काम को प्लेजरिज्म से अवॉइड किया जाए बट स्टिल दिस वर्क वुड बी कॉल्ड एज अ प्लेजराइज वर्क इंटरेस्टिंगली द मोस्ट कॉमन सोर्सिस ऑफ अनकिंग मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेजरिज्मीदर बाय द पब्लिक नॉर बाय द

और वो अपनी डेडलाइंस जब गुजर जाती हैं और लास्ट डेज में काम करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू राइट एवरीथिंग बाई देअर ओन एंड इन दीज सिचुएशन प्लेजरिज्म कम्स इन वायलेशन ऑफ फेयर यूज ऑफ स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू प्लेजरिज्म बट इट इज मोर लाइकली टू अकर अन इंटेंशनली स्कॉलरली राइटिंग आर यूजली अलाउड टू कोट शॉर्ट सेक्शन ऑफ द साइटेड वर्क बाय अदर्स विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम ऑथर्स एंड ऑनर ऑफ द कॉपी राइट अब इसका क्राइटेरिया क्या है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगर आपने किसी का कोई टेक्स्ट जो है वो लिया है एंड इफ दैट टेक्स्ट इज लेस देन ऑफ फोर्टी वर्ड्स यू कैन पब्लिश दैट वर्ड विदाउट आस्किंग द ऑथर हु इज़ ओरिजिनली रिटर्न दैट वर्क यू कान यू डोंट नीड टू हैव परमिशन फ्रॉम दैट पर्सन एंड यू कैन पब्लिश दैट कोड इन अ टेक्स्ट लेकिन अगर वो फोर्टी वर्ड्स से बियॉन्ड है तो अकॉर्डिंग टू ए पी ए यू नीड टू राइट टू दैट पर्सन कि क्या मैं आपके इन वर्ड्स को अपने रिसर्च पेपर में कोट कर सकता हूं या नहीं एंड इफ ही हैव प्रोवाइडेड इनवर्टेड कॉमास एंड यू द प्रॉपर सोर्स कि आपने ये काम जो है वो इस रिसर्चर या इस स्कॉलर का जो है वो अपने पास साइट किया है बट इफ वर्ड्स विच आर मोर देन फोर्टी इन परमिशन फॉर दैट

एक ही रिसर्च पेपर को आप पब्लिश करते रहे विद द सेम विदा दिस इज ऑल्सो पब्लिकेशन एंड इन एडिशन टू द कॉपी राइट जिसमें आपने एक कॉपी uh, राइट है कि एक जगह पर जो काम पब्लिश किया हुआ है आप दूसरी जगह पर उसको नहीं पब्लिश कर सकते दिस प्रैक्टिस वेस्ट पियर रिव्यूज टाइम क्योंकि वो फिर बार बार वही काम आपका रिव्यू कर रहे हैं एंड दे यू नो टेक अप जनरल स्पेस एंड दे मिसलीड रीडर्स एज वेल सो दिस इज ऑल्सो वेरी अनएथिकल क्योंकि हो सकता है कि एक रिसर्च जो पाकिस्तान के किसी एक छोटे से जर्नल में पब्लिश हुई है वो रिसर्च अगर आप अमेरिका के किसी जर्नल में भेज रहे हैं तो मे बी वो रीडर या वो जर्नल जो है उसको आइडेंटिफाई ना कर सके कि ये रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है जस्ट बिकॉज आपने उसके एबस्ट्रैक्ट और टाइटल में थोड़ा सा चेंज कर दिया है बट स्टिल दिस विल काउंट एज एन अनएथिकल प्रैक्टिस एंड दिस इज दिस विल कम्स एंड टू प्लेजरिज्म प्रैक्टिस इज रिफर्ड टू एज सलामी समटाइम्स सम पब्लिकेशंस वेयर एज दिंगल रिसर्च स्टडी इन टू स्मॉलर सीमिंगली इंडिपेंडेंट रिसर्च आर्टिकल्स एक रिसर्च के बहुत छोटे 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 पार्ट को पब्लिश करना जैसे एक स्केल डेवेलपमेंट की रिसर्च है स्टडी है उसके पहले आ, पार्ट में आप क्वालिटेटिव इंटरव्यूज कर रहे हैं उसको पब्लिश कर दें दूसरे के अंदर आप उसकी सिर्फ कंटेंट वैलडि इंडेक्स आइडेंटिफाई करते हैं उसको पब्लिश कर दें तीसरे में आप उसका जो है वो एक्सप्लोरेट भी फ्तर एनालिसिस करते हैं उसे पब्लिश कर दें चौदह में आप उसका कन्फर्मेटरी फैक्टर अनालिसिस करते हैं उसको पब्लिश कर दें और उसके बाद आप उस ओवरऑल पूरी रिसर्च को एज अ मैगा रिसर्च भी पब्लिश कर दें सो दिस मोटिवेशन इज टिपिकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ओन्स पब्लिकेशन इट डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट प्रेजरिज्म बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन अनफेयर यूज ऑफ डाटा इन दिस कंडीशन द एथिकल प्रिंसिपल अप्लाई बिकॉज देशन परसेप्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनिंग मे बी डिस्टॉर्टेड एंड एडिटर्स एंड रिव्यूअर्स टाइम्स एंड रिसोर्सेज आर वेस्टेड वेन सिंगल रिसर्च आर्टिकल हैज़ डन दिस जॉब अगर इस तरह की रिसर्च में जिसमें आपने एक मेगा रिसर्च में वो सारी फाइंडिंग्स देनी थी तो उसको पाँच मुख्तिक हिस्सों में स्प्लिट करके पब्लिश किया वो प्लेजरिज्म तो नहीं है लेकिन वो एक अनफेयर यूज ऑफ डाटा है और जब एक काम एक सिंगल रिसर्च ऑथर को पब्लिश करके कर पब्लिश करके पूरा हो सकता है तो उसको पाँच या छः स्टेप्स में पब्लिश करना इज़ हाईली अनफेयर